काफी लोग आईपैड के कैमरे टेस्ट को बोल रहे थे, हमने तो भाई इसका कैमरा माउंट भी मंगा लिया अपने ट्राइपॉड पर लगाने के लिए, क्योंकि हम पर्सनली खुद इससे वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो किस तरह की ऑडियो वीडियो क्वालिटी मिलती है इसकी, वीडियोग्राफी में फोटोज वगैरह कैसे आते हैं, मतलब सब तरह से हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। देखो सबसे पहले इस आईपैड के ना कैमरा सेटिंग्स दिखा देता हूँ कुछ। यहाँ पर आपको जूम करने का ऑप्शन मिलता है, 1x कर सकते हो, 2x कर सकते हो बैक कैमरे में, और चाहे तो आप मैनुअली इसको मैक्सिमम 5x तक जूम कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको लाइव फोटोज का ऑप्शन मिलेगा, मतलब जो आईफोन्स में ऑप्शंस होते हैं ना कैमरे में, वही लगभग आपको फीचर्स यहाँ पर भी मिल जाता है। लाइव फोटोज हो गया, टाइमर लगा सकते हो 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड तक का, बैक कैमरा कर सकते हो, फ्रंट कैमरा कर सकते हो। बैक साइड आपको फ्लैश लाइट नहीं मिलती, लेकिन फ्रंट साइड आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि बेसिकली स्क्रीन फ्लैश होती है। इसके अलावा कैप्चर बटन मिल जाएगा, बाकी प्रीव्यू या फिर गैलरी वगैरह के शॉट्स देख सकते हो। बाकी यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो, जैसे कि स्लो मोशन मिल जाएगा। स्लो मोशन आप 1080p में 240fps तक का स्लो मो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा टाइम लैप्स का ऑप्शन दिखाऊं तो टाइम लैप्स का मिल जाएगा। स्लो मो जो है वो बैक कैमरे में ही मिलेगा, टाइम लैप्स आपको फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में मिल जाता है। बाकी वीडियो मोड मिल जाएगा, वीडियो जो है बैक कैमरे में यहाँ पर आपको 4K 60fps की मिल जाती है, जो कि बेसिकली आईफोन्स में होती है, चाहे आईफोन 11 हुआ 12 हुआ, वैसी आपको वीडियोग्राफी इसमें भी मिलती है 4K 60fps। लेकिन फ्रंट कैमरा जो है उसमें आपको कम रिजोल्यूशन मिलता है, 1080p 60fps तक की आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे, 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरे में नहीं मिलती है। बाकी यहाँ पर फोटो मोड मिल जाएगा, और फोटो मोड के सारे फीचर्स मैंने दिखा दिए। स्क्वायर मोड मिल जाएगा, पैनोरामा मोड भी मिल जाता है। तो ये सारे मोड्स आपको मिलता है इसके कैमरे में। अब देखो इसके कैमरा सैंपल्स दिखाने से पहले आपको कैमरा बता दूं, जैसे इसका फ्रंट कैमरा है ना, ये दिया गया अल्ट्रा वाइड है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा फ्रंट में दे रखा है। अब ये जो कैमरा है ना, ये आप देखेंगे तो ये अल्ट्रा वाइड पर पहुंच गया, और ये अल्ट्रा वाइड को ही ना डिजिटल जूम करके ना 1x पर कैप्चर कर लेता है, और बाकी बैक में आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता ही है। तो इसका कैमरा आप सिमिलर समझ सकते हो आईफोन 11 या 12 जैसी आपको पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूँ, काफी सारे सैंपल्स लिया है, और इनके ना गूगल ड्राइव की लिंक भी मिल जाएगी, उनको आप मैनुअली डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये सैंपल लिया था, ये बैक कैमरे से लिया है 1x में, तो ठीक ठाक कंडीशन है, मतलब लाइट्स वगैरह ठीक है, इतनी कुछ ज़्यादा कम नहीं है, ना ही कुछ ज़्यादा ब्राइट है, तो डिटेलिंग वगैरह काफ़ी सही है, जैसे कि आप देख सकते हो आईफोन की जैसी पिक्चर क्वालिटी होती है वैसी हमें कुछ सिमिलर क्वालिटी देखने को मिली है। तो डिटेल्स वगैरह वैसी है आईफोन 11 12 जैसी। ये फ्रंट कैमरा 1x में हमने लिया है, मतलब नॉर्मल वाइड है, अल्ट्रा वाइड में नहीं लिया है। सेल्फी जो है वो ठीक ठाक कंडीशन में ली है, बाकी हमने फ्रंट कैमरे को ना उसी पोजीशन पर थोड़ा अल्ट्रा वाइड कर लिया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की क्वालिटी मिलती है। फोटो का साइज दिखा दूँ तो 1.7 MB का लिया गया अल्ट्रा वाइड में, और यहाँ पर जो 1x है वो 1.5 MB का लिया गया था, और बैक कैमरे से 12 मेगापिक्सल पे 2.4 MB का लिया गया है। तो पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और साइज़ भी ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि आईफोन की खास बात होती है HEIF में आप लेते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस साइज में हमें फोटोज़ क्लिक करके देता है। बाकी फ्रंट कैमरे से हमने वीडियो रिकॉर्ड करी है, अल्ट्रा वाइड पर नहीं करी, नॉर्मल पर करी है, लेकिन भाई रिकॉर्डिंग के टाइम पर ना अल्ट्रा वाइड और मेन में स्विच नहीं हो पाता फ्रंट में, तो हमें स्टॉप करनी पड़ी, फिर दोबारा से अल्ट्रा वाइड में रिकॉर्ड करनी पड़ी। तो ये कुछ इस तरह की क्वालिटी मिलती है, तो बिल्कुल आईफोन जैसी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। बैक कैमरा देखेंगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, अच्छी लाइट कंडीशन में हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करके देखा, यहाँ पर धीरे धीरे हमने डिजिटल जूम करके देखा, लगभग हम 2x पर चले गए, तो सही है भाई, अगर लाइट्स अच्छी है इंडोर में तो काफ़ी अच्छी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो जाती है। बाकी मैंने आउटडोर शॉट लिया है, तो ये आउटडोर का 4K 30fps का शॉट है, सॉरी 4K 60fps का, तो इसकी ना लिंक मिल जाएगी, खुद से डाउनलोड करके देख लेना, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि किसी आईफोन से ये वीडियो रिकॉर्ड करी है मैंने। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो 1x में ये फोटो लिया गया है, तो काफ़ी अच्छी डिटेल्स मिलती है, जूम करके दिखाऊं तो काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट में सेल्फी ली है, और ये थोड़ा ना आउटडोर में ही थोड़ा डायरेक्ट सनलाइट से थोड़ा हटके हमने थोड़ी शेडो में ली है, तो क्वालिटी अच्छी मिलती है। ये बिल्कुल लो लाइट है, एक्सट्रीम लो लाइट में स्क्रीन फ्लैश ऑन करके कुछ इस तरह की हमें क्वालिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने बैक कैमरे से बिल्कुल एक्सट्रीम लो लाइट में क्लिक करके देखी है, डिटेल जो है ना वो थोड़ी कम मिलती है, मतलब टेक्स्ट वगैरह थोड़ा ब्लरी सा देखने को मिलेगा, लेकिन भाई एकदम ज़बरदस्त मिल रहा है। एंड्रॉयड टैबलेट तो भाई आसपास भटकती भी नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं भटकते इसके, तो ये बिल्कुल आईफोन वाली आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके दे रहा है। बाकी पिन कमेंट में आपको इसकी G ड्राइव लिंक मिल जाएगी, खुद से जाकर डाउनलोड करके आप देख सकते हो जूम करके।
तो आईपैड की हमने काफी सारी और भी वीडियोस डाले के वो भी जाकर आप देख सकते हो। और कौन कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट में बता देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।